हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ख्याति शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाई करने वाली हूँ। थोड़ा मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करूँगी, तो यहाँ पे मैं सब कुछ अपना अरेंज कर रही थी। अभी वैसे न्यू मैं 11th में आई हूँ एंड इस टाइम हमारा रिजल्ट भी नहीं आया, तो इतना फ्लो में तो पढ़ाई चल नहीं रही है, स्कूल में भी एंड घर पर भी, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ लेती हूँ। तो ये मेरी डेस्क टाइम पर ये मेरी रफ नोटबुक बना रखी है मैंने। लास्ट ईयर मेरी मैथ्स की नोटबुक थी और इसमें मैंने बिल्कुल बात नहीं करा। एंड मेरे हाइलाइटर और पेंसिल, और ये है मेरी बुक केमिस्ट्री की, इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ फिलहाल, क्योंकि NCERT में सब कुछ सिर पे चलाता है। लैपटॉप है, उसके साथ वो माउस भी रखा है जो मैं यूज़ ही नहीं करती, एंड मेरा पाउच, स्टिकी नोट्स, चश्मा एंड मेरी कुछ बुक्स रखी हैं। NCERT की भी हैं, नोटबुक्स भी हैं एंड ऑल। तो फिलहाल तो यही सारा सामान रखा था मेरे टेबल पर, और अभी मुझे करनी थी पढ़ाई आज की, पता नहीं कि मन सा भी नहीं कर रहा। एंड मेरा स्पर, क्योंकि मैं पानी पीती रहती हूँ बार बार, एंड ये मेरा क्यूटू सा बैग है इसमें, मतलब मैं ऐसे रखती हूँ हाइलाइटर्स वगैरह ये सब कुछ मैं रख लेती हूँ, और छोटी मोटी जो मेरे नोट पैड्स वगैरह होते हैं इसमें मैं रख लेती हूँ। एंड अब हमें करनी अपनी पढ़ाई स्टार्ट। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ भाई यहाँ पर, सो अब मैंने अपनी केमिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। बस यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर 1 है उसके मैं रीड कर रही थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें मैं हाईलाइट कर रही थी, लिख के देख रही थी एंड स्टिकी नोट्स बना के मैं चिपका रही थी जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे थे। एंड बस मैंने यही करा था केमिस्ट्री में अपना चैप्टर नंबर 1, पहले मैंने करा था हाफ। देन मैंने अपना एक सामान ऑर्डर करा था, तो उसका मुझे पता चला था कि डिलीवरी आ गई है, तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना पढ़ाई करके ख़त्म मैं चली गई अपना पिक करने सामान, और उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो फिर मैं चली गई थी अपना सामान लेने। एंड देन मैंने यहाँ पे इसको भी डाल दिया। उसके बाद मैंने अपना खोला, मतलब मैं अनबॉक्स कर रही थी जो भी मैं लेकर, मतलब जो भी मेरे को सामान मैंने ऑर्डर करा था वो, एंड मैंने इसको भी ऐसे शूट कर लिया था थोड़ा सा कि दिखा देती हूँ। उसके बाद मैंने क्या करा, मतलब पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ रही थी, उसके बाद मैंने इसकी करी अनबॉक्सिंग। तो यस, मैंने मंगवाई थी एक रिंग लाइट। ये मैंने इसलिए मंगवाई थी क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड हो रही है आजकल, मतलब मुझे चाहिए कि मतलब थोड़ी ब्राइटनेस वगैरह हो वीडियोस में, तो फिर मैंने इसको अनबॉक्स करा। एंड देन बस मैं बैठ गई दोबारा से अपना पढ़ने, थोड़ी देर तक मतलब उसके फ़ोटोज़ क्लिक करे, वीडियोस वगैरह बनाई, ऐसे ही मैंने रैंडम सी एकदम से सेटअप ही नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई पता नहीं क्या कर रही थी मैं, एंड देन ये हो गया। एंड उसके बाद मैंने अपना दोबारा से कंटिन्यू करा केमिस्ट्री का पढ़ना, क्योंकि ये वाला चैप्टर है थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मेरे को, मतलब NCERT की लैंग्वेज तो बहुत ही अजीब है, समझ ही नहीं आती। और मैंने यहाँ पे दोबारा से वही अपना चैप्टर कंटिन्यू करा, मुझे ये हाफ ही करना था आज, क्योंकि अभी मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं है, तो मेरे को अगर उसमें पढ़ भी लूँगी ना तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने स्कूल में हमारा चल रहा है, जितना हो गया मैंने उतना ही रीड करा। एंड देन बस मैंने अपना ये वाला चैप्टर हाफ ही करा, पूरा नहीं कर पाई क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा इतना मुझे इस वजह से। Thank you.
सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर देना बिकॉज 700 होने वाले हैं जल्दी से. सो बाय बाय. पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना सबको. बाय.